ये हमारे पास है टोनोमीटर, जिसे हम कहते हैं इंडेंटेशन टोनोमीटर। ठीक है, इससे हम कॉर्निया के ये पार्ट जो है ना कॉर्निया के ऊपर ऐसे रखते हैं, रखने के बाद हम चेक करते होते हैं कि ये जो ये कहाँ मूव कर रही है। इससे हमें प्रेशर मालूम हो जाता है, जैसे कि अभी नज़र आ रहा है आपको कि 15 पी आई है, तो 15 प्रेशर हो गया। अगर ये हमारे पास मूव नहीं कर रहा या प्रेशर बहुत ज़्यादा है मतलब, तो फिर हम क्या करते हैं इसके अंदर वेट लगाते होते हैं। ये हम वेट पड़े हैं, ये वेट है, तो हम इसको यहाँ पे लगा के ये वेट लगा के और फिर हम दोबारा चेक करते होते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ किया हुआ है, ये इस तरह से। तो ये हमारे पास टोनोमीटर है, श्योर्स टोनोमीटर। इसकी इंडिकेशन यही है कि अगर हमारे पास ग्लाकोमा हो जाए मतलब इंटरकुलर प्रेशर बढ़ जाए तो फिर हम इससे प्रेशर चेक कर लेते हैं आई का। ठीक है, और ये हमारे पास ऊपर स्केल है। ठीक है, और जो इसका ये वाली पार्ट जो घूमती है इसे हम नीडल कहते हैं। ठीक है, और नीचे बेस है हमारे पास।